फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अनलेस और अंटिल में क्या फर्क है, यानी आप अनलेस और अंटिल को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इन दोनों का सही यूज क्या है। फ्रेंड्स, अनलेस मींस अगर नहीं और अंटिल मींस जब तक नहीं, और इन दोनों से कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगर तुम नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जहां बताया गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, यानी अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यानी बात करने की शर्त रख दी गई। तो फ्रेंड्स आप अगर नहीं के लिए अनलेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहेंगे अनलेस यू कम आई शैल नॉट टॉक टू यू, यानी जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात अंटिल की करें तो अंटिल का इस्तेमाल जब तक नहीं के लिए आप करेंगे, जैसे जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, तो आप कहेंगे अंटिल यू कम आई शैल वेट। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि जब तक नहीं के लिए मैंने यूज किया अंटिल, जिससे टाइम का पता चल रहा है, यानी जितनी देर तक तुम नहीं आओगे उतनी देर तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपने अनलेस और अंटिल का कंसेप्ट समझा कि अनलेस मींस अगर नहीं, या कई बार लोग यदि नहीं भी कहते हैं, लेकिन अंटिल मींस जब तक नहीं और इसे टाइम का पता चलता है। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस मींस यदि नहीं या अगर नहीं। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ अंटिल यू वर्क हार्ड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यानी अंटिल मींस जब तक, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने यह सीखा, अनलेस मींस अगर नहीं, यानी अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन अंटिल मींस जब तक नहीं, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अब आप अनलेस और अंटिल को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।